Please subscribe my YouTube channel, Sikho Jano, and press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSS क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि CSS का पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। एक वेब पेज को बनाने की तकनीक के पीछे HTML और CSS का बहुत बड़ा योगदान है। HTML के इस्तेमाल से वेब पेज को एक आकार मिलता है और CSS के इस्तेमाल से वेब पेज को नया और आकर्षक रूप मिलता है। HTML और CSS हमेशा साथ में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। CSS के बिना हम HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर HTML के बिना CSS का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। HTML और CSS का एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि बहुत सरल है और जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। HTML और CSS के कोड को लिखने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है, जैसे कि नोटपैड। इन कोड्स को लिख लेने के बाद इसे इंटरनेट के द्वारा देखने के लिए एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। HTML के बहुत से टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हीडर टैग, H1, फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैबलेट टैग, इमेज टैग इत्यादि। इन सभी टैग्स को ब्राउजर में और भी अच्छी तरह से दिखाने के लिए CSS का साथ में इस्तेमाल किया जाता है। CSS के इस्तेमाल से हम वेब पेज के टैग को अच्छे रंग में दिखा सकते हैं, फॉन्ट में स्टाइल और पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बैकग्राउंड की इमेज को बैकग्राउंड में कौन से रंग के इस्तेमाल से वेब पेज को अच्छा लुक मिलेगा, ये सभी चीजों को सेट करने के लिए CSS का इस्तेमाल किया जाता है। CSS HTML के डॉक्यूमेंट पूरी तरह से नया रूप दे देता है, जिससे यूजर का ज्यादा आकर्षक होती है। CSS के फायदे। CSS वक्त बचाता है। एक HTML के वेब पेज के यूज किए गए स्टाइल को हम दूसरे बहुत सारे वेब पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी CSS के कोड को सिर्फ एक बार लिखकर। हमें अलग अलग वेब पेज को बनाने के लिए बार बार CSS का कोड लिखना नहीं होता है, और सिर्फ एक ही बार लिखे हुए CSS कोड का इस्तेमाल करके जितने चाहे उतने वेब पेज बनाए जा सकते हैं, जिससे हमारा काफी समय बच सकता है। पेज को जल्दी लोड होने में मदद करता है CSS। दोस्तों, अगर हम CSS का इस्तेमाल करते हैं तो हमें HTML के टैग के एट्रिब्यूटर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक बार CSS के रूल के हिसाब से टैग के एट्रिब्यूटर को लिखकर वेब पेज में अप्लाई कर देने से वो टैग हर जगह सही रूप से दिखने लगेगा। इसलिए टैग को वेब पेज में अलग अलग जगह पर दिखाने के लिए बार बार एक ही कोड को लिखना नहीं होगा, और कम कोड होंगे तो वेब पेज ब्राउजर में जल्दी लोड होगा। तो दोस्तों, आपको मालूम चल गया होगा कि CSS का इस्तेमाल किस लिए होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल हम भूलें। ऐसे ही कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में मैं न्यूज आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।